हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं मर्सिडीज़ बेंज की न्यू सिक्स्थ जनरेशन सी क्लास जो कि 10 मई 2022 को इंडिया में लॉन्च हुई है। इसके अंदर तीन वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, एक C200 पेट्रोल, एक C220 डीजल और एक C300 डीजल AMG लाइन। अभी जो हमारे सामने वेरिएंट है ये C200 और C220 सेम इसी शेप के अंदर आएगा, जिसके अंदर बिग मर्सिडीज़ लोगो होगा, क्रोम की पूरी ग्रिल होगी और इसका जो बोनट है उसमें पावर डोम्स भी आ रहे हैं। फ्रंट में हेडलैम्प्स मिलेंगी हमें LED हाई परफॉर्मेंस में और फ्रंट में हमें पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे और एक्टिव ब्रेक असिस्ट का हमें फंक्शन भी मिलता है, जिससे कि गाड़ी इमरजेंसी टाइम में ब्रेक ऑटोमेटिक लगा लेती है। गाड़ी का जो लेंथ है वो 4.7 मीटर्स है और जो विड्थ है 1.8 मीटर्स और जो हाइट है 1.4 मीटर्स। इस गाड़ी के अंदर इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस आया है जो कि है 2865 mm। 17 इंचेस के हमें ट्यूबलेस टायर जिसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं और इसके साथ में ही एक टायर फिट किट भी मिलती है, जिससे कि अगर कभी पंचर हो जाए या टायर इन्फ्लेट करना हो तो वो भी हम कर सकें। पीछे LED रियर कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स होंगी, इसमें रियर व्यू कैमरा होगा और रियर पार्किंग सेंसर्स भी स्टैंडर्ड आएंगे। इस कार में हमें ऑटो पार्क असिस्ट जैसे फंक्शन भी स्टैंडर्ड मिलते हैं। कार के अंदर पीछे बैचिंग के अंदर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, C220 डीजल होती है और C200 पेट्रोल होती है। इसकी जो बूट है वो इलेक्ट्रिक ओपनिंग के साथ आती है, आप उसे अंदर बटन से भी ओपन कर सकते हैं और रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं, बट आपको मैनुअली बंद करनी पड़ेगी। बूट स्पेस के अंदर हमें अच्छी जगह मिल जाती है, बट टायर इसमें ऊपर रखा आता है। फर्स्ट एड किट आती है, एक टायर इन्फ्लेटर किट की भी अलग रखी हुई है और टूल किट भी एक पैकेट के अंदर रखी हुई है इसके अंदर। साइड में बटन मिलेगा हमें, अगर सीट कोई फोल्ड करनी हो पीछे की हम वो भी कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया बूट हमें मैनुअली हाथ से ही बंद करनी पड़ेगी। गाड़ी का अंदर जो फ्यूल टैंक है वो 66 लीटर्स का आता है और ये एक रियर व्हील ड्राइव कार है। ग्लास एरिया की सराउंडिंग में हमें सारा क्रोम स्टैंडर्ड मिलता है इसके अंदर और बी प्लेयर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आता है। एक बार इंटीरियर देखते हैं तो ये पूरा एस क्लास से इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर जो फ्लोटिंग डिस्प्ले डिज़ाइन है, टच सेंसिटिव बटन्स हैं, 12.3 इंच की डिस्प्ले है, लेदर फिनिश है, टच सेंसिटिव बटन्स हैं और जो पूरा डैशबोर्ड है वो पहले सी क्लास में लेदर के अंदर नहीं आता था। नीचे बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील भी चेंज है पूरा, अब इसका जो डिज़ाइन है वो 3 spoke के अंदर है और टच बटन्स के साथ में है। ऊपर सारा लेदर है, टच सेंसिटिव बटन्स, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं सीट का, चाहे एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट हो, हाइट हो, कुछ भी हो, लॉक अनलॉक भी हम कर सकते हैं। 3 seat memory भी हमें स्टैंडर्ड मिलती है। आगे यहाँ पे हमें पावर्ड विंडोज़ के और साइड मिरर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हेडलैम्प कंट्रोल्स हमें यहाँ मिलते हैं, जिसमें हम ऑटो मोड पर मैनुअल मोड पर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आता है इसमें और डायरेक्ट सेलेक्ट लीवर आता है गियर का, यहाँ से हम गियर चेंज कर लेते हैं, ड्राइव मोड, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ये काफ़ी ज़्यादा अब ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील पे से हम सामने की डिस्प्ले पूरी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें डिफरेंट मोड्स भी मिल जाते हैं और नेविगेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 3 display designs बेसिकली मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स है, एक क्लासिक है और एक अंडरस्टेटेड है। तो अंडरस्टेटेड में काफ़ी ज़्यादा लो लाइट में हो जाता है, क्लासिक जो मर्सिडीज़ का शुरू से डिज़ाइन एक पैटर्न चलता आ रहा है उस हिसाब से है। और अगर हम फुल नेविगेशन भी देखना चाहें इस डिस्प्ले डिज़ाइन के अंदर तो हम उसको भी यहाँ चेक कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये सब स्टैंडर्ड मिलेगा। असिस्टेंस वाले सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। 6 airbags स्टैंडर्ड आते हैं। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस मिलेंगे हमें, तो आप गूगल मैप्स वगैरह भी इसके अंदर वायरलेस प्ले कर सकते हैं। 2-zone ऑटोमेटिक AC मिलेगा इसके अंदर। 64 color की एम्बियंट लाइटिंग होगी इसके अंदर। हिल होल्ड असिस्ट भी हमें स्टैंडर्ड मिलता है। ड्राइवर डिस्प्ले LCD हाई रेजोल्यूशन के साथ है और बहुत इजी टू रीड फॉर्मेट है इसका। इसके अंदर 7 different सेटिंग्स भी आप अलग अलग कर सकते हो। बाकी पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं, क्योंकि इस कार में 9-speed गेयरबॉक्स स्टैंडर्ड आता है, वो भी सेगमेंट में किसी और गाड़ी में नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं विद टच ऑफ ए बटन ओनली। जो सेंट्रल MBUX का डिस्प्ले है इसका, 11.9 इंचेस की डायगोनल साइज़ है इसका सेंट्रल डिस्प्ले और ये LCD टेक्नोलॉजी के साथ में ही है। इसके अंदर हे मर्सिडीज़ वॉइस कमांड फंक्शन, नेविगेशन, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, 7 different प्रोफाइल्स भी आप इसमें इंडिविजुअल की सेट कर सकते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन भी आता है इसमें, 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आती है इसके अंदर और यहाँ से आप इसमें पूरा कॉन्टैक्ट्स, 2 phone भी आप एक ही टाइम पर कनेक्ट कर सकते हो, रेडियो, मीडिया, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिलेंगी हमें इसमें और टच सेंसिटिव वॉल्यूम बटन्स भी मिलेंगे। इसका जो लोअर एरिया है ये सारा AC कंट्रोल का है और मीडिया के अलावा आप एप्लीकेशंस भी आप इसमें चला सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जो एप्लीकेशंस भी आती हैं उसके अंदर आपको ब्राउज़र खोलना हो या कुछ वेदर फोरकास्ट देखना हो, ब्राउज़र को हमें हॉटस्पॉट के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको पहले अपने फ़ोन का ब्लूटूथ सेटिंग और वाईफाई हॉटस्पॉट ओपन करके ही इसे कनेक्ट करेंगे,
फ्रंट की जो दोनों सीट्स हैं वो सीट काइनेटिक्स के साथ आती है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करती है, प्रॉपर मसाजर तो नहीं बोल सकते उसको। एक ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, सीट पोजीशन ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट। जो ड्राइवर सीट है आप उसमें अपनी हाइट डालोगे और आप स्टार्ट पोजीशन करोगे तो स्टेयरिंग और सीट ऑटोमेटिकली एक आइडियल पोजीशन पर आ जाएगा जो आपकी हाइट के हिसाब से एक प्रिफर्ड लोकेशन है। इसके अलावा कंफर्ट के अंदर हमें 64 एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आप डुअल टोन मल्टी कलर भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। रात के टाइम पर बहुत अमेजिंग लगती है ये और ये इस एल्युमिनियम ट्रिम के साथ भी बहुत अच्छा जाती है। अच्छा, कार के अंदर इंटीरियर ऑप्शंस तीन आते हैं, एक ब्लैक आता है, एक टैन आता है और एक बेज आता है, डिपेंडिंग अपॉन आप एक्सटीरियर कलर कौन सा ले रहे हो। इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे हमें कीबोर्ड, वॉइस असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट, डेटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप ये सारी ही ऑलमोस्ट जो गाड़ी के कंट्रोल्स हैं आप सेटिंग्स में जाके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे कोई सब ब्लाइंड एडजस्ट करना है, इजी एंट्री इजी एग्जिट एडजस्ट करनी है, इसके अंदर सीट पोजीशन और स्टीयरिंग पोजीशन भी चेंज हो जाती है। मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी मर्सिडीज में भी इसके अंदर स्टैंडर्ड आती है, जिसके थ्रू आप व्हीकल मॉनिटर कर सकते हो। उसके अंदर आप इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम भी आ जाती है, व्हीकल को ट्रैक भी कर सकते हो, जियो फेंस भी कर सकते हो, सर्विस ऐप के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकते हो और आप उससे इंजन स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हो, वो भी सेगमेंट में भी किसी और गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा है। एडिशनल कनेक्टेड फीचर्स जिसके अंदर गूगल होम और एलेक्सा भी आप कार से कनेक्ट कर सकते हैं। देन हम एक बार चेक कर लेते हैं जो एंड्रॉयड ऑटो है उसका पूरा डिस्प्ले, ये इस हिसाब से आता है जिसके अंदर आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो मर्सिडीज में की ऐप ही क्यों ना हो। सेफ्टी वाइज इसके अंदर प्री सेफ भी स्टैंडर्ड आता है और एसी कंट्रोल्स नीचे दिए हुए हैं, यहाँ से आप पूरा क्लाइमेट मेन्यू खोल सकते हो। थर्मेटिक टू जोन एसी इसके अंदर स्टैंडर्ड मिलता है हमें, जिसमें आप ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों का इंडिविजुअल एसी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और ब्लोअर भी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट के साथ आप चला सकते हैं। हाँ, लेकिन जो पीछे वाली सीट है उस पर ड्राइवर साइड की टेम्परेचर जाएगा। चार ड्राइविंग मोड्स, इकोनॉमी, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल, चार ड्राइविंग मोड्स हैं कार में। ऑटोमेटिक पार्किंग आती है इसमें, इट हैज़ ऑटो पार्क असिस्ट एज ए स्टैंडर्ड, जिसमें आप पार्किंग सेंसर्स को ओपन एंड मतलब क्लोज भी कर सकते हैं। वार्निंग लाइट्स भी हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो अलग अलग प्रोफाइल्स आपने बना रखे हैं आप फिंगरप्रिंट के थ्रू वो प्रोफाइल भी लॉक कर सकते हैं। ग्लोव बॉक्स डबल पार्टीशन के साथ मिलता है और इसके नीचे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, अगर आपको एयर इन्फ्लेटर लगाना है या कुछ फ़ोन चार्ज करना है वो भी कर सकते हो। सेंट्रल जो एरिया है पूरा कंसोल, यहाँ दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है हमें यहाँ नीचे, और एक टाइप सी यूएसबी स्लॉट भी मिल जाता है इसके अंदर कि अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता तो आप उसको यूएसबी के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। सीट्स जो है वो आर्टिको लेदर में है और सेंट्रल आर्मरेस्ट के अंदर भी हमें दो यूएसबी स्लॉट मिल जाते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन या कुछ ब्लॉगिंग चार्ज करना चाहो या आप सॉन्ग्स प्ले करना चाहो उसके थ्रू आप वो भी कर सकते हो। सनरूफ पैनारोमिक हमें इसके अंदर मिलती है और ये भी टच सेंसिटिव आती है। ऊपर का कंसोल काफ़ी ज़्यादा न्यू डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ है विद एम्बिएंट लाइट, तो यहाँ विद टच ऑफ अ फिंगर ओनली विद जस्ट अ स्वाइप पूरा कर्टन ओपन हो जाता है और हम चाहें तो आगे वाला ग्लास भी ओपन कर सकते हैं अगेन एक फिंगर को स्वाइप करके। बहुत इजी टू यूज़ है और बहुत कंफर्ट और कन्वीनियंट वाला, दिस इज़ व्हाट मतलब मर्सिडीज इसीलिए तो जानी जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस और कंफर्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ऊपर ही इमरजेंसी कॉलिंग के बटन्स भी दिए हुए हैं, साइड में जो वाइजर्स हैं इसके अंदर हमें वैनिटी मिरर के साथ में LED लाइट भी दी हुई है और यहाँ माइक्स भी दिए हुए हैं। अगर आप हे मर्सिडीज़ वाले वॉइस कमांड यूज़ करोगे तो उसमें आपकी जो वॉल्यूम है वो इधर से जाएगी। एक बार दोनों स्क्रीन्स के ऊपर भी हम नेविगेशन लगा के देखते हैं तो आप देखो कि मतलब कितना अमेजिंग व्यू लगता है कि सेंट्रल में भी जो ऑलमोस्ट 12 इंचेस की स्क्रीन है और सामने भी 12.3 इंच की जो स्क्रीन है, दोनों के अंदर ही नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हो एट द सेम टाइम। और ये पूरा टच कंट्रोल बटन्स हैं, आप इससे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी स्टैंडर्ड मिलता है हमें और स्पीड लिमिटर भी स्टैंडर्ड आता है इसके अंदर। बाकी गाड़ी के अंदर हाई स्पीड वार्निंग भी मिलती है। सीट्स भी न्यूली डिज़ाइन हैं इसकी, तो इसके जो हेडरेस्ट हैं वो भी आप इलेक्ट्रिकली ऊपर और नीचे कर सकते हैं, बट वो मैनुअली आपको आगे और पीछे करने होंगे। सीट्स के अंदर जो कुशनिंग है, जो साइड बोल्स्टर्स हैं, वो भी इंक्रीज़ करे गए हैं पहले से, और अब एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी इसमें इनबिल्ट ही आता है और वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। चेक करते हैं रियर सीट, तो कंपनी का कहना है कि 21 mm पीछे लेग रूम बढ़ाया गया है कार में और अब ऑलमोस्ट पहले से तो ज़्यादा बेटर लग रही है। ये सनशील्ड हमें मैनुअली मिल जाता है पीछे और ऊपर हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है, LED लाइट मिल जाती है पीछे, एम्बिएंट लाइटिंग और कप होल्डर और बॉटल होल्डर्स डोर्स में हमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, मैगजीन होल्डर मिल जाता है, सेंटर में AC वेंट मिल जाते हैं। इसमें पीछे USB स्लॉट नहीं मिलता, पीछे दो पार्टीशन मतलब स्पेस दी हुई है।
सेंटर में हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर हमें दो कप होल्डर्स का एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, तो काफ़ी कूल लगते हैं और काफ़ी मतलब स्लीक डिज़ाइन के साथ में। पीछे हमें इलेक्ट्रिक कर्टन भी मिल जाता है बट वो आगे से ही ऑपरेट होता है, तो आप उसे आगे से ही ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो जो पूरा फ्रंट का डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक लग रहा है इसके अंदर, और लेग रूम अगर हम देखें तो बहुत मतलब सफिशिएंट है इस सेगमेंट के अंदर, जितनी भी कार्स हैं उस हिसाब से काफ़ी अच्छी दी हुई है, और सीट का कुशनिंग भी अच्छी है, सपोर्ट भी अच्छा है। अगर आप पीछे बैठते हैं ड्राइवर के साथ, आप मतलब ट्रैवल करते हैं तो पीछे आपको मतलब सफिशिएंट स्टोरेज मिल जाएगा पीछे, और कम्फर्ट भी अच्छा मिल जाएगा विद कर्टेंस ऑन द डोर्स एंड द रियर ग्लास ऑल्सो। पीछे के जो डोर डिज़ाइन हैं वो भी पूरे चेंज करे हुए हैं एम्बिएंट लाइटिंग के साथ में, और जो हैंडरेस्ट है वो भी एल्युमिनियम फिनिश के साथ में है, एक कोट हैंगर भी दिया हुआ है अलग से, और ऊपर की जो एलईडी लाइट्स हैं वो हम यहीं से ही बटन के थ्रू ओपन और उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ऊपर का जो पूरा हेडलाइनर है ये पूरा ब्लैक के अंदर है, और अंदर पैनारोमिक सनरूफ होने की वजह से हमें काफ़ी मतलब ओपननेस भी फील होती है। हम एक बार इसका कर्टन वापस ओपन करके देखते हैं, क्योंकि पीछे बैठ के ना जब ग्लास ऊपर होता है तो काफ़ी एयरी कैबिन फील होता है हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल सराउंडिंग्स में आपको अब ग्लास एरिया मिलता है, फ्रंट में, चारों साइड्स में, पीछे और ऊपर भी पूरी रूफ ग्लास की है, और ये टिंटेड ग्लास होता है तो ताकि डायरेक्ट सनलाइट या गर्मी ज़्यादा ना रहे कैबिन के अंदर, बट इट फील्स वेरी लग्जूरियस। अभी मेन इंजन की बात कर लेते हैं, तो जो पेट्रोल और डीजल C200 और C220 की ही बात करेंगे अभी, दोनों ही ऑलमोस्ट 200 हॉर्स पावर है, रियर व्हील ड्राइव है, और दोनों का ही 0-100 7.3 सेकंड्स है। डीजल जो 220 है उसमें कंपनी क्लेम करती है 23 किलोमीटर पर लीटर की, और पेट्रोल के अंदर क्लेम करती है 16.9। दोनों में ही इंटीग्रेटेड स्टार्टर टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक बूस्ट मिल जाता है। यह पहली बार है जब मर्सिडीज़ ने किसी डीजल इंजन के अंदर EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी दी है। दोनों ही इंजन में हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है, इंसुलेशन मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं ताकि इंजन की जो नॉइज़ है और स्मूथनेस है वो बरकरार रहे। आप इसके अंदर सर्विस पैकेज भी अलग से ले सकते हो और एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो। पेट्रोल एक्सशोरूम 55 लाख, डीजल एक्सशोरूम 56 लाख रुपीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।